person you dream. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 डिजिटल के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल रफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस माशरे में कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह की तरफ से कोई चीज़, किसी चीज़ की महरूमी दी जाती है, जिसके नतीजे में वो इस दुनिया के आगे झुक जाते हैं और कोई भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कि कईयों को हम ऐसे देखते हैं कि वो घरों में नाउम्मीद होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जो अल्लाह की तरफ से दी गई महरूमी को अपने सर पर सवार नहीं करते और वो दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, मुमताज़ अली हक साहब। इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये कद में ज़रूर छोटे हैं, लेकिन इनके जो अज़्म है, जो इनका जज्बा है, जो इनका जोश है, वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद दिखाई देता है। जितने इनका कद है, इससे शायद 4-5 गुना ज़्यादा। इन्हें BS कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, जिसके बाद नौकरी की तलाश में निकले। इन्हें नौकरी नहीं मिली तो इन्हें सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जो किसी ने ना किया हो। कि इतने छोटे कद के बावजूद इन्हें एक स्कूल खोल लिया अपने, जैसे इनका नाम मुमताज़ है ऐसे ही इन्हें एक मुमताज़ स्कूल के नाम से स्कूल खोल लिया, और ऐसा ही मुमताज़ काम इसके अंदर कर रहे हैं। मुमताज़ भाई से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुमताज़? अल्लाह का शुक्र, करिए। मुमताज़ भाई, ये बताइएगा कि हमें यह पता लगा कि आपने एक्टिंग भी की है। बिल्कुल, मैंने एक्टिंग की है और माशाल्लाह काफ़ी पसंद भी की गई है वहाँ पे। फिर मैंने, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इतना मैं काम कर नहीं सका, फिर क्योंकि स्कूल, फिर ये मैंने इस तरफ मेरा जो रुझान चला गया ताकि अपने स्कूल को ज़रा मज़ीद तरक्की दी जाए। मुमताज़ भाई, ये बताइएगा कि जब कोई एक्टिंग शक्टिंग करते थे तो किसी दोशीज़ा की आपके ऊपर नज़र नहीं पड़ी? नज़र तो पड़ती है, लेकिन हम बहसियत मुसलमान, हमको अपने आप में को काबू में रखना चाहिए ना, जो हमारा काम है हमें उस तक फोकस रहना चाहिए। मुमताज़ भाई, ये बताइएगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जोकिंग, शादी कब कर रहे हैं? शादी अभी पोस्टपोन हुई हुई है, अभी थोड़ा सा मैं क्योंकि बिज़ी हूँ अपने काम में, तो स्कूल के मामलों में आपको पता कि कोरोना आया तो उसकी वजह से तालीम के शोबे को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, और क्योंकि अभी हमने किराए की बिल्डिंग्स होती हैं तो उनका किराया वगैरह भी देना होता है, तो वो भी अभी पूरा हमने नहीं किया, तो मेरा फोकस अभी इस तरफ है। मतलब वलीमा खिलाने के पैसे नहीं है? वलीमा नहीं, वो माशाल्लाह मैं खिला दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मतलब बात अभी शादी तक तो पहुँचे ना। चले, अल्लाह करे जी जल्द अज जल्द शादी हो। सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि नौकरी नहीं मिली तो स्कूल खोल लिया? असल में ये थोड़ा सा मुझे एक शौक़ था या इस तालीमी शोबे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अपने बहन भाइयों को पढ़ाता भी रहता था या कोई दोस्त वगैरह थे। इसके अलावा मेरे अब्बू जो हैं वो प्रिंसिपल हैं, तो थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़े से जरासीम वो उधर के वरासत में भी मिले होते हैं, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हम स्कूल का खोलने का इरादा किया। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी कोई वालदैन आए हों बच्चे का दाखिला करवाना है, आपका सीट पर देखें, एक दफ़ा कहें कि बेटा कोई बड़ा है? हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब तो जो नया वालदान आते हैं वो तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो पुराने वो तो फिर यूज़ टू हो जाते हैं, उन्हें पता होता है। फिर क्योंकि ये मोहल्ले का स्कूल है तो मुझे लोग जानते भी हैं, तो फिर एक दो बार हुआ है इस तरह। एक दो बार हुआ है, उन्होंने कहा बड़े को किसी को भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुमताज़ भाई, कभी किसी बच्चे ने कोई तंग शंग तो नहीं किया कि क्लास में जाएँ तो वो कहें हमारे साथ बैठ जाओ? क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ तो बच्चे ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है जो मारते शारते होंगे ना। मारते नहीं, उसके अलावा वो ऐसा जो हमारे टीचर्स हैं वो फिर बता रही होती हैं ना कि प्रिंसिपल हैं या ये है, फिर क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसे भी कोई शरारत वगैरह करता है तो प्रिंसिपल के पास लेके आता है, तो उसको थोड़ी बहुत सजा देते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई ये बंदा खतरनाक है, ये सजा शजा। बिल्कुल बिल्कुल, सजा मिल सकती है, अरेस्टिकेट हो सकते हैं आप। बड़े सख्त प्रिंसिपल हैं आप जी। बिल्कुल, क्या वजह सकती? सख्ती असल में थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर स्कूल के मामलात या इंतजामी मामलात नहीं चल सकते। तो जब आपने एक्टिंग करते थे, एक्टिंग करके जब आप स्कूल आते थे, तो कभी किसी बच्चे के वालदैन या फिर बच्चों ने कहा कि सर हमने आपको देखा था? नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, अब भी हो जाता है, अगर किसी ने वो यूट्यूब पर मेरी कोई वीडियो अगर किसी ने देखी हो
या किसी टीचर वगैरह ने या फिर किसी वालदैन ने, तो ऐसा हो जाता है। मुमताज़ भाई, यूट्यूब चैनल भी आपने एक रखा हुआ है जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हुए दिखाई देते हैं, कई मरतबा आप लोगों को एंटरटेन भी करते हुए दिखाई देते हैं, तो इतना ज़्यादा काम कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मुमताज़ नामा के नाम से। ये मुमताज़ नामा रखने की वजह? असल में मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था नाम रखने का ना, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरा नाम मुमताज़ है, मुझे याद भी रहेगा, और मुमताज़ नामा फिर इस तरीके से मैंने रख लिया। बेसिकली उसमें मैं अपने तजर्बात को शेयर करता हूँ, कुछ न्यूज़ वगैरह शेयर कर देता हूँ, कुछ जो है वो मजाया कंटेंट भी बीच में है। अच्छा, कोई हमें भी कोई मजाक सुनाइए। मज़ा असल में इस वक्त वो, क्योंकि ये बातचीत हमारी ऐसी चल रही है ज़रा सीरियस वाली, तो अभी मज़ा मेरे ख्याल में मुझे अभी मेरे जहन में नहीं, फीलिंग्स नहीं आ रही। फीलिंग्स नहीं आ रही, बिल्कुल फीलिंग्स आना बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम अदाकारी करते तो फीलिंग्स ले आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरफ होता है। कौन सी फीलिंग? कोई मजाया हो, कोई कॉमेडी वाली हो, अगर सीरियस है तो सीरियस की फीलिंग आ जाती है। सही हो गया जी। मुमताज़ भाई, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आप इस माशरे के लिए एक मिसाल है, तो आपका पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस माशरे के लिए, तो क्या पैगाम देंगे लोगों? मैं तमाम उन लोगों को जो हैं माजूर हैं या स्पेशल पर्सन हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी तालीम को जारी रखें, तालीम हासिल करें। जब आप तालीम हासिल कर लेंगे तो आपको शऊर आ जाएगा, फिर आप भीख नहीं मांगेंगे, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और आप मेरी तरह कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करके पैसे कमाना शुरू कर देंगे, और जो है इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, और जो है ना आप एक माशरे के लिए मिसाल बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई। नाज़रीन, आपने मुमताज़ भाई को सुना, इनका ये कहना है कि तालीम हासिल करें, अगर आप किसी किस्म की आप में स्पेशलिटी है या फिर आप माजूर हैं, तो तालीम के ज़रिए से आप में शऊर बेदार होगा, और शऊर जब आप में बेदार होगा तो आप इस माशरे के लिए मुमताज़ भाई की तरह एक मिसाल बनेंगे और शमा रोशन करेंगे इस तमाम तर माशरे के लिए। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।